एयरपोर्ट पे चलेंगे, तैयार हो जा। फूल 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 ऐसे करके फूल डाल। जाओ अरे तकबीर अरे तकबीर अरे रिसाल तार भाई सबको दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज के इस ब्लॉग के अंदर मैं आपको हज के रवानगी दिखाने वाला हूं। आपको मालूम होगा अगर आपने मेरे पिछले ब्लॉग देखे हैं कि अम्मी अब्बू और बड़े भाई हज पे जा रहे हैं। तो आज 23 जून है, आज के दिन फ्लाइट है रात 8 बजे की, तो यहाँ से 3 बजे निकल जाएंगे। तो हम जो छोड़ने जाएंगे एयरपोर्ट पे, पूरा ब्लॉग में मैं आप ये कवर करने वाला हूँ। तो आप इस ब्लॉग को एंड तक जरूर देखना। साथ में हमारे साथ अभी मुफ्ती साहब भी आए, वो भी कुछ जो हज के बारे में आपको बताएंगे, तो आप उसको भी जरूर सुने। तो दोस्तों यहाँ पे जो मेहमान वगैरह आते हैं ना, क्योंकि हज पे जब जाते हैं तो काफी मेहमान आते हैं मिलने के लिए और दुआ के लिए आते हैं। और आप लोगों ने भी कईयों ने जो वीडियो के कमेंट में भी जो है आपने बोला था कि दुआ के लिए बोलना, तो मैंने अब्बू को बोल दिया है। तो सबके लिए वहाँ पे जो है दुआ की जाएगी। और मेन चीज है कि हज पे जाने तो एक महीना पूरा यहाँ पर अभी अम्मी अब्बू वहीं पे रहेंगे। हज तो 5 दिन का होता है मेन, 5 या 6 दिन का, लेकिन बाकी जो टाइम होता है वहाँ इबादत के लिए दिया जाता है। तो पूरा का पूरा इसमें मैं कवर करूंगा इनकी रवानगी। एक दिन पहले खाने का एहतमाम था तो वो मैं कवर नहीं कर पाया क्योंकि मेहमान इतने ज्यादा थे, तो मेरे को वहाँ पे जो है खाना वगैरह खिलवाना था, तो मैं बिल्कुल भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं यहाँ पे ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो ये हमारे मुफ्ती साहब है, मुफ्ती साकिर रजा। तो मुफ्ती साहब ये बताइए, हज पे लोग जाते हैं तो मेन वहाँ पर जो है कितना सवाब है, कैसे क्या है, आप मुझे एक बार बता दीजिए, सब लोग हमारे देख भी लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। क़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम, मन ज़ार क़ब्री वजबत लहू शफाअती। हमारे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। इसी जज्बे से शरशार होकर हर मोमिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम के दीदार को मदीने तैयबा तशरीफ ले जाते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्नस सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि सफा मरवा पहाड़ियां, खाने काबा का तवाफ करना, ये सारी मेरी निशानियों में से है। तो अल्लाह ताला ने जिसको भी तौफीक दी है वो हज भी करते हैं और हज के साथ वो उमरा भी अदा कर लेते हैं। और ये बड़ी सआदत की बात है, ये रुपए पैसे के बलबूते हासिल नहीं होती। ये नबी पाक का जब इश्क इंसान के दिलों में परवान चढ़ जाता है, तो इस इश्क की वजह से जब नबी पाक कबूल करते हैं फिर सरकार बुलाते हैं, तभी बंदा मोमिन वहां हाजिर होता है। ये अपनी तबीयत से कोई चाहे कि मैं चला जाऊं, या ये चाहे कि मैं बड़े पैसे वाला हूं मदीने चला जाऊं या मक्का शरीफ चला जाऊं, तो वो जा नहीं सकता जब तक कि खुद मेरे सरकार उन्हें बुला ना ले। तो ये खुशनसीबी की बात है कि आज का ये सफर हमारे भाई शाकिर हुसैन साहब, आपकी अहलिया मोहतरमा और अजीजम बाबू ताहिर ये तशरीफ ले जा रहे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनका सफर हज कबूल फरमाए और ज़ियारत हरमैन तय्यबैन का मौका अल्लाह ताला हर मोमिन को नसीब फरमाए। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। रब्बे ज़ुल जलाल का ये खास फजल है और ये बड़ी सआदत और बड़ी नेकबख्ती की बात है, बहुत बड़े सवाब का काम है। और इस्लाम के अरकान में से 5 रुकनों में से ये एक रुकन भी है कि अल्लाह जिसको दौलत से नवाजे और वो इस लायक हो तो वो मदीने तय्यबा और ज़ियारत हरमैन तय्यबैन के लिए जरूर जाए। माशाल्लाह बहुत अच्छा बताया आप लोगों को। मैं बताना चाहूंगा मुफ्ती साहब का एक चैनल भी है जिसपे बहुत बढ़िया बढ़िया जो है मतलब मसले बताते हैं, तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उनके लिंक पे क्लिक करके उनके चैनल को फॉलो जरूर करना। अब मैं मिलवाता हूँ, ये हमारे खालू आए नेपाल से, ठीक है, और ये हमारे चाचा जो हमारे कस्बे सीसगढ़ से आए, आपने ब्लॉग देखा होगा तो आपको मालूम होगा। और ये हमारे इमाम साहब सीसगढ़ में जो मस्जिद है उनके इमाम साहब हैं, और भी काफी लोग आए देखो यहाँ पर। ये हमारे मामू सीसगढ़ से, ताहिर भाई हज पे जा रहे हैं, यहाँ पे यूसुफ भाई भी आए हैं, चाचा बैग पैक कर रहे हैं, ये देखो ये सारा सामान वगैरह यहाँ पे पैक किया जा रहा है।
बाबू भी जा रहे हैं। देखिए मैं अपने पापा को बाबू कहता हूँ, आपको काफी वीडियो में बता चुका हूँ। तो ताहिर भाई बाबू और अम्मी हज पे जा रहे हैं, तो अभी काफी लोग जो है मिलने आने वाले हैं। तो दोस्तों ये हमारी खाला नेपाल से आई हैं और ये हमारी मामी ये आई है सीसगढ़ से। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, खाला हमारे में कहते हैं मौसी को। एयरपोर्ट पे चलेंगे, तैयार हो जा। फूल ऐसे करके फूल डाले, मेहंदी बड़ी सुंदर लगाई, क्या बात है। आप इधर भाई दुआ करना हमारे लिए, सबके लिए, जिन लोगों ने दुआ के लिए बोला सबके लिए दुआ करना। मेरे से बहुत लोगों ने अल्लाह के लिए बोला है, जो लोग हमसे सिलाई सीखते हैं या जिन लोगों से हमारे रास्ता हुआ, सब लोगों ने बोला है कि अपने भाई सब से सबसे बोलना, सबके लिए बोला है, सबके लिए दुआ करना। आप सबके लिए दुआ करना इंशाल्लाह, आप लोग भी मेरे लिए दुआ करना कि मैं अपने अम्मी अब्बू और मेरा अल्लाह ताला आज कबूल करना। तो बाबू हमारे सबके लिए दुआ करना, सब लोगों जिन लोगों ने भी दुआ के लिए बोला है सबकी सबसे पहले तमन्ना है भाई सब बोल के जा मेरी करना, बहुत लोगों ने दुआ के लिए करा। आपके लिए तो दुआ होगी बेटा। अभी ढाई बज चुके हैं और काफी मेहमान जो है मिलने के लिए आए हुए हैं और काफी लोग मिल रहे हैं, क्योंकि देखो हज पे जब जाते हैं तो सब लोग जो है एक दूसरे को माफ करते हैं और हाजी लोग तो खासतौर पे माफी मांगते हैं और अल्लाह ताला इस हज की बरकत से सबकी दुआ को कबूल करता है। तो अभी देखो आप पीछे, अभी तो ये बाहर की तरफ में आप देखेंगे काफी लोग आए हैं। अभी यहाँ पर हमने 5-6 गाड़ियां और एक बड़ी बस जो करी है, इससे हम जाएंगे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए। जलावे हाजी शाकिर भाई ताहिर, जिंदाबाद।
जल्दी आओ, टाइम मत लगाओ, आ जाओ। तो इस तरीके से हाजियों को जो है रवाना करते हैं। अभी तो हम एयरपोर्ट पे भी जाएंगे, तो भाई और अब्बू आगे निकल चुके हैं, अम्मी यहाँ पर हैं। अम्मी रो क्यों रही हो? हाजियों का काफिला, मदीने का सफर, मदीने का सफर, मदीने का सफर, का सफर, मदीने की गलियां, मदीने की गलियां, हाजियों का काफिला, आ रहा है तकबीर, बेसहारा न समझे दुनिया, बेसहारा न समझे दुनिया हमें, हम गरीबों का मदीने में, हम गरीबों का मदीने में, बेसहारा न समझे दुनिया हमें, बेसहारा ये दुनिया में, हम गरीबों के आका मदीने में। और एप्लीकेशन गुनहगार भेजे न क्यों, एप्लीकेशन गुनहगार भेजे न क्यों, एप्लीकेशन गुनहगार भेजे न क्यों, बख्शवाने का दफ्तर मदीने में, बख्शवाने का दफ्तर मदीने में, उल्फते मुस्तफा मेरे सीने में है, मैं यहाँ हूँ मेरा दिल मदीने में है, मुश्को अंबर में भी ऐसी खुशबू नहीं, मुश्को अंबर में भी ऐसी खुशबू नहीं, ऐसी खुशबू नहीं जैसी खुशबू नबी के पसीने में है, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है, हिंद में जीने को जी रहा हूँ मगर, जी रहा हूँ मगर, हिंद में जीने को जी रहा हूँ मगर, जिंदगी का मजा तो मदीने में है, जिंदगी का मजा तो मदीने में है।
नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत या रसूलल्लाह, नारे रिसालत या रसूलल्लाह, नारे हैदरी या अली, नारे हैदरी या अली, हाजियों का काफिला जिंदाबाद, हाजियों का काफिला जिंदाबाद, मदीने का सफर मुबारक हो, मदीने का सफर मुबारक हो, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत या रसूलल्लाह। मेरे बेटे अम्मी को बिठाओ, खोल खोल गाड़ी में बैठेंगे सारे, तो मगर आगे आ जाओ, आगे बैठे बेटा, तुम जरा पहले भाई भी जा रहा जाओ मम्मी, सबके लिए दुआ मांगना, बेड लगा लियो आगे। ताहिर भाई सबको दुआ में याद रखना, इंशाल्लाह सबको दुआ में याद। बाबू अभी आ चुके हम टर्मिनल 3 गेट नंबर 8 पे, और इस टाइम हो रहा है 4:30, तो ज्यादा टाइम नहीं है, गेट नंबर 8 पे मिलेंगे, उसके बाद जो है वो लोग चले जाएंगे अंदर, फिर हम जाएंगे घर की तरफ। तो ये है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल 3 का नज़ारा, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी जो है एरोप्लेन खड़े हैं, और ट्रैफिक भी आप देख सकते हो, पार्किंग होगी शायद ये, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। और ये टर्मिनल 3 का, मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना रहा क्योंकि यहाँ पे शायद वीडियो बनाने के लिए मना किया हुआ है, तो बस मैं थोड़ी जो भी बना रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। ये गेट नंबर 8 है टर्मिनल 3 का, यहीं से भाई लोग आएंगे, अम्मी अब्बू, और लास्ट टाइम मिलके जाएंगे। अब ताहिर भाई और ये सारे के सारे बस इन्हें थोड़ी देर के लिए बाहर आए, वहां से हाथ हिलाए इन्होंने क्योंकि लेट हो गए थे, तो बाहर आने का मौका नहीं दिया और वो चले गए। तो अभी सैयद और शहजाद बहुत ज्यादा रो रहे थे, तो अभी उनको छोटा भाई तालिब अपने साथ ले गया, हम अपनी गाड़ी का वेट कर रहे हैं, हम भी अपने घर की तरफ चलते हैं, बाकी सब लोग चले गए। तो भाई अभी हम आ गए अपने घर पे, और अभी मैं आपको मिलवा देता हूँ। देखो ये है मेरी सासू अम्मी, और ये मेरे ससुर जी अब्बू। तो हम ये भी गए थे, बहुत मेहमान आए थे, मैं पूरे मेहमानों को कवर नहीं कर पाया, जितने भी लोगों ने सुना कि हज पे जा रहे हैं सब लोग आए मिले, और आपने देखा होगा कई लोग रो रो के एक दूसरे से मतलब गले मिल रहे थे, वो अपने मतलब बोलते हैं दुआओं के लिए, बोलते हैं कि आप लोग दुआ करें क्योंकि ऐसी बारगाह में जा रहे हैं तो वहाँ पे हर दुआ कबूल होती है। और हम भी बस मैंने भी मेरे से जितने लोगों ने बोला था दुआ के लिए, तो मैंने उनको बोल दिया है हज के बरकत से सब लोगों की दुआ इंशाल्लाह जरूर कबूल होगी। और 23 तारीख को, ये जून है, अगली 23 जुलाई को वहाँ से वापसी है, तो वहाँ से वो लोग एक महीने में आ जाएंगे। तो ये पूरा हज में आपको किस तरीके से यहाँ पे रवानगी होती है मैंने आपको दिखाया, आपने देखा होगा कितनी भीड़ है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताना, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।